डीवीएस फैक्ट को और बेल आइकन को भी दबा दें सबसे पहले डीवीएस फैक्ट देखने के लिए। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ डाइस्पो और बीरस की, क्योंकि डाइस्पो और बीरस के बीच में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। जैसे कि डाइस्पो और बीरस एक ही स्पीसीज के हैं, अगर हैं तो क्या चंपा और बीरस यूनिवर्स 11 से बिलोंग करते हैं, और डाइस्पो बीरस जैसे ताकतवर क्यों नहीं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका मैं जवाब दे सकता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं शुरू करता हूँ। तो मैं पहले बात करता हूँ बीरस कैरेक्टर की, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं। तो मैं बता दूं कि बीरस कैरेक्टर की इंस्पिरेशन अकिया टोरियामा ने खुद की पालतू बिल्ली से ली थी, इसीलिए बीरस में हर वो क्वालिटी मिलती है जो हमें एक बिल्ली में देखने को मिलती है। जैसे कि बीरस को जल्दी गुस्सा आता है और वो सालों सालों तक सो जाता है, जो कि एक बिल्ली की क्वालिटी है। तो अब बात कर लेते हैं बीरस और डाइस्पो की। तो मैं बता दूं बीरस और डाइस्पो में कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है जो बीरस और डाइस्पो को सेम बनाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली बात डाइस्पो की पूंछ नहीं है जबकि बीरस की पूंछ है, और दूसरी बात यह है कि बीरस और डाइस्पो के कान, बीरस के कान शार्प हैं और छोटे हैं जबकि डाइस्पो के कान थोड़े से लंबे हैं और कम चौड़े हैं, और तीसरी बात कि डाइस्पो और बीरस के दांत अलग अलग हैं। बीरस के दांत नॉर्मल दांतों जैसे हैं और डाइस्पो के आगे दो दांत निकले हुए हैं जो बीरस और डाइस्पो को अलग बनाते हैं। चौथी बात यह है कि डाइस्पो सिर्फ सुपर ह्यूमन स्पीड के नाम पर जाना जाता है और बीरस के पास मल्टी फाइटिंग स्किल्स हैं, इसीलिए बीरस डाइस्पो से कहीं ज्यादा ताकतवर है और डाइस्पो बीरस जितना ताकतवर नहीं हो सकता। तो जो सवाल उठ रहे थे कि बीरस और डाइस्पो के बीच सिमिलरिटीज है या नहीं है या यूनिवर्स 11 बिलोंग करते हैं, तो ये सवाल वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो अब बात आती है डाइस्पो है कौन। तो मैं बता दूं इसका कोई ऑफिशियल नहीं आया, तो मैंने तीनों पॉइंट को मिलाकर जैसे कि कान, दांत और पूंछ, ऐसा लगता है कि डाइस्पो एक रैबिट की स्पीसीज का है और उसकी सुपर ह्यूमन स्पीड भी रैबिट से इंस्पायर्ड है। तो अकिया टोरियामा ने डाइस्पो कैरेक्टर का आइडिया एक रैबिट से ही लिया था, और हो सकता है आगे जाके इसका खुलासा हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्ते, बाय बाय।